हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं IMullah एडवोकेट बेलगाम आपसे मुखातिब हूँ। आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि BJP की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों पर जो है यहाँ पर बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ पेश करना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर जो है मसाजिद के सिलसिले में। इलेक्शन करीब आ रहा है, ये देखकर जो है कई यहाँ के जो है पॉलिटिकल लीडर्स हो, गवर्नमेंट हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का फसाद पैदा करना, डिफरेंसेस पैदा करना, कम्युनल हेट्रेड्रेस पैदा करना, ये जो है उनका मंशा है। और ये मंशा लेकर जो है उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। हम हाल ही में 2 मस्जिद का जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था, एक फातिमा मस्जिद और एक मस्जिद जैतून जो उद्यम बाग लिमिट्स में है, पीरनवाड़ी के करीब। ये 2 मसले हम यहाँ पर ठहरे हुए थे और काफ़ी वहाँ जमात के लोगों में जो है परेशानी हुई थी। अल्लाह के फजल से उन्होंने डट के मुकाबला किया और हम लोग भी उनका साथ दिए। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ख़ासतौर पर असिस्टेंट कमिश्नर बेलगाम, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, CPI, और ये जो है पट्टन पंचायत के लिमिट्स में आती है, वहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी कई सालों से जो है उनका नाम जो है म्यूटेशन एंट्रीज में रजिस्टर हुआ है मस्जिद के नाम से और जमात के नाम से, समझ गए। ऐसे हालात में जो है डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जो है फोर्स कर रहे थे। उस मीटिंग में जो है मुझे भी मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने का ऑफिसरान के साथ। वो ऑफिसर जो है इंसिस्ट क्या कर रहे थे कि जो है तुम वहाँ से मस्जिद शिफ्ट करो। इतना ही नहीं, मस्जिद शिफ्ट करने का मामला अलग हुआ, फिर वहाँ के मोहल्ले के जितने मकान आते हैं वो भी शिफ्ट करो। एक ही रात में इतने दुश्वारियाँ पेश आए कि लोग वहाँ के जमात के लोग घबरा गए थे। अल्लाह की फजल से जो है मैंने उनसे मुकाबला किया। आप जो स्टेप ले रहे हैं वो गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी हुई है, ये सेल डीड से जो है खरीदी, 2 सेल डीड्स हैं उसमें, प्लाट नंबर 5 है एंड 6। वहाँ पे जो है मस्जिद 44/60 मेजरमेंट है उसका, और एक रेवेन्यू लैंड है वो, समझे कि नहीं। वो एक हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है उनके तरफ से जो है ये खरीदी गई है, 2006 में खरीदी गई है, 2 सेल डीड के जरिए 100 रुपीज बॉन्ड के पर ये खरीदी की हुई है। तो हालात जो है यहाँ पर जो है बड़े मुश्किल से हमारे को गुजरना पड़ रहा है। तो उस संबंध में जो है मैंने जो है हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक रिट पिटीशन जो है, रिट पिटीशन नंबर 100909 ऑफ 2023, कोर्ट हॉल नंबर 5 में जो है मैटर आ गया था। ये मामला जो है मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारे अख्तियार दिए गए हर सिटीजन को दिए गए, चाहे वो हिंदू हो और मुस्लिम हो। आर्टिकल 25, 26, उसमें प्रॉपर्टी का भी सेफगार्ड किया गया है, खासतौर पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो है मैंने एक रिट पिटीशन दायर किया और तफसीली मालूमात दी कि जो है हमारे रिलीजियस राइट में जो है इंटरफेरेंस है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। और इसके साथ साथ जो है आपको जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है AIR 1954 पेज नंबर 282, उसमें 5 जजों ने उसमें जो है आर्टिकल 25-26 का एनालिसिस किया है। ये सेफगार्ड है, ये गारंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर सिटीजन को, मुस्लिम हो या हिंदू हो, गारंटी दी हुई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मस्जिद मंदिर, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, नमाज को कोई रुका नहीं सकता। तो ये जो है हमें जानना ज़रूरी है, लीगल स्टडी करना ज़रूरी है। तो हमने जो है ये बात आर्गुमेंट करके जो है इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी हासिल हुई। एंट्री में ऑर्डर हमारे को 16 तारीख को जो है, तो जो है एंट्री में ऑर्डर ऑनरेबल जज जो है कोर्ट हॉल नंबर 5 कृष्ण कुमार ने जो है
इंटरव्यू में एक ऑर्डर पास किया है, उसमें बताया कि स्टेटस को ऑर्डर, बोथ द पार्टी शुड मेंटेन स्टेटस को ऑर्डर, और ये भी ऑर्डर पास किया है कि डेली प्रेयर्स को जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए ऑफिसरान। ये रिट ऑफ मैंडमस है, रिट ऑफ मैंडमस ऑफिसरों के ऊपर किया जा सकता है, उनकी अगर वो ड्यूटी लीगली नहीं निभाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर नहीं निभाते हैं, तो जो है हाईकोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती है। रिस्ट्रिक्शन है, मगर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या तो असिस्टेंट कमिश्नर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, कोई भी जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर या मनाही जमात के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर नहीं है। वो जमात के जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह है, उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिए, इनिशिएशन ऑफ एनी क्रिमिनल ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कोर्ट को बताया कि इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, अनलॉफुल है जो ऑर्डर उन्होंने रुका रहे हैं। ओरल इंस्ट्रक्शन एट अनेबल कानून में जो है नहीं चल सकता है, ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ द मास्क और प्रेयर्स को जो है नमाज पढ़ने को जो है कोई रुका नहीं सकती गवर्नमेंट। तो साफ साफ जो है उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में पास किया हुआ है, और उसके मसले में जो है हम लोग और हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी अपील ये है कि जो है आप जो है लीगल अवेयरनेस कायम करना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मसला जो है हल होने के इसमें है, हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, अभी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं कल के रोज़, वो होने के बाद जो है वहाँ के हालात जो है साजगार होंगे। अगर वो नहीं माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, हमें वो स्ट्रिक्टली उतना ऑफिसर को बोल रहे हैं कि भाई जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर आप अमल बजाओ नहीं और कर दीजिए, और वहाँ पे नमाज पढ़ने के जो है वहाँ पे हालात साजगार कीजिए, ये जो है हमारे यहाँ मुतालबा है। तो हुकूमत से हम लोग गुजारिश किए हैं कि जल्द से जल्द जो है हमें वहाँ पर नमाज पढ़ने की जो है परमिशन दें।